हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा था, क्या हो हम इंसान दूसरे ग्रह के एलियन से मिले, हम उनसे संवाद बातचीत कैसे करेंगे। तो नमस्कार पृथ्वीवासियों, आज हम असाधारण यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। जब हम बाहरी जगत संवाद के रहस्य दुनिया में प्रवेश करेंगे, मैं आपका मार्गदर्शक हूँ और साथ में हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोसियों से संपर्क स्थापित करने की संभावनाओं को जांचेंगे। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। एलियन संवाद को समझना। एलियन के साथ जुड़ने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि वे कैसे संवाद करते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, वैज्ञानिक समझाते हैं कि उन्होंने गणित और भौतिकी पर आधारित एक सार्वभौम भाषा का उपयोग किया हो सकता है। तो अपनी खगोल भौतिकी को मजबूत करें। रेडियो सिग्नलिंग और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंट से थी के वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि रेडियो सिग्नल के लिए ऐसा करने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके एलियन से संभावित संवाद के लिए स्कैन करें। कौन जानता है, शायद आप एक ब्रह्मांडीय रेडियो तरंग पकड़ सकते हैं। ऑप्टिकल संवाद। ऑप्टिकल संवाद के लिए लेज़र का उपयोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष में सोचे जाने वाली बुद्धिमान प्रमाणियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोशनी की बूंदें भेजें। बस यह सुनिश्चित करें कि आप किसी भी अंतर गैलेक्टिक यात्री को अंधा नहीं बना रहे हैं। बाइनरी कोड संदेश। एलियन तक पहुंचने के लिए बाइनरी कोड का उपयोग करें। यह एक एकोडेट संदेशों के साथ रेडियो तरंगों और प्रकाश पल्स के माध्यम से इन बाइनरी सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो एक डिजिटल इंटरगैलेक्टिक संदेश बना सकते हैं। गणित भाषा। गणित को अक्सर सार्वभौम भाषा माना जाता है। हमारा ब्रह्मांड एक गणितीय नियम पे बना हुआ है। गणितीय पैटर्न या सरणियों को विकसित करें जो एक ब्रह्मांडीय दशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। हमारे उन संख्याओं की सुंदरता की समझ दिखाएं। कॉस्मिक बीकन बनाना। एक कॉस्मिक बीकन बनाएं, एक शक्तिशाली सिग्नल जो अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। यह रेडियो और ऑप्टिकल सिग्नल का संयोजन हो सकता है जो हमारी संवाद की इच्छा को व्यक्त करता है। ऊर्जा की खपत का ध्यान रखें, हमें अंतर्गृह इलेक्ट्रिक बिल को ट्रिगर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही हम अपनी ब्रह्मांडीय संवाद गाइड को समाप्त करते हैं, याद रखें कि धैर्य महत्वपूर्ण है। हमारे सिग्नल्स को अंतरिक्ष की बेहद बड़ी दूरी तय करनी हो सकती है, इसमें वर्षों लग सकते हैं। तो टैक्स सिले बंद हो, अंतरिक्ष उत्साही हो और चलिए ब्रह्मांड को एकजुट करें। अगर आपने इस यात्रा का आनंद लिया हो तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी साझा करें, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और ब्रह्मांडीय साहसिकताओं के लिए बने रहें, अगले बार तक आकाश की ओर देखते रहें। इस कॉस्मिक प्रवास पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आओ हम सितारों के बीच बातचीत जारी रखें।
सुरक्षित यात्रा को पृथ्वीवासी बनाए रखें। जय हिंद साथियों।